दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ सब आदमी अच्छे होंगे। हम लोग के तरफ से आप लोग को सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग। देखिए हम सुबह 4 बजे के उठी है, अभी 5 बज चुका है, क्योंकि मैं सुबह से उठ के कपड़ा धो रही थी, बहुत सारा कपड़ा हो गया था तो यही धो रही थी। देखिए अभी दीजिए आकाश और विकास उठ के आ चुके हैं। चलिए अब हम झाड़ू लगाऊंगी, 5 बज चुका है। सुबह से उठ के मैं कपड़ा धो रही थी, कल कहीं चल गई थी इसी वजह से कपड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, और रात में बारिश भी आ गया था इसी वजह से कपड़ा भी नहीं धो पाई। तो अभी मैं कपड़ा धो चुकी हूँ, अब झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है, आज घर लीपूंगी, क्योंकि आज है नागपंचमी और दूसरा है आकाश का शाम को बर्थडे। चलिए हम फटाफट अपने काम निपटाती हूँ, इसके बाद भी खाना भी बनाना है। अकाल में उपवास थी तो रात में कुछ बना के भी खाए नहीं, दूध भी मंगाई थी तो बारिश होने लगा था ऐसे ही सो गई थी। अभी भी हालत ख़राब हो गए, लगता है चाय पीने के लिए। कभी नहाएंगे धोएंगे, कुली पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद चाय बना के पिएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं हम लोग घर लिप चुकी हैं, बहुत तेज से बारिश फिर भी आ गया था, तो हम तक अभी गीला हो चुकी हूँ थोड़ा थोड़ा। बाहर देख सकते हैं यहाँ पूरा पानी लगा है, फिर भी चूल्हा ढक चुकी हूँ, घर लिप लिया हूँ, बाहर भी थोड़ा थोड़ा लिपी हूँ, नहीं तो बर्तन भी धो लिया हूँ, अब छोड़ दिया हूँ, बारिश हो रहा था नहीं अच्छी करूँगी। चलिए अब हम चलती हूँ, पहले गोबर और बालू और सरसों से पूरा घर के पर उड़ूंगी, उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ करूँगी। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर गोबर है और सरसों और बालू, जो पहाड़ा का तंत्र मंत्र मारा जाता है इसमें, तो चलिए इसको मैं फेंट के पूरा घर पे लगाऊंगी। बनी हुई फेंक लेती हूँ, उसके बाद नहाऊंगी। हटो इधर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम परोस दिए हैं घर को अपना, आप सेंदूर वेंदूर लगा रहे हैं चादर से, तो चलिए हम चाल सेंदूर लगा देती हैं। तो देख सकते हैं हमारा घर में लीप पोत के परोस दी हूँ चादर से। अभी जब भी खाना खाया क्योंकि भूख लगा है, तो चिवड़ा और चीनी। हमारे मुर्गी अभी देखिए ये बारिश में चल रही है, उधर हल्का हल्का बारिश हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। हमें चल रही है अब नहाने के, अब नहा के मैं पूजा वूजा करूँगी। बिना नहाए पर जाता है, तो बिना नहाए मैं परोड़ दी हूँ और टीक उठ दी हूँ सिंदूर से, पूरा हाथ में सिंदूर सिंदूर लगा है। फाइनली हम नहा चुके हैं, चलिए अब हम पूजा पाठ का सामान तैयार करती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे सब बैठ के, धान है पहले इसको धान को लावा फोड़ लेती हूँ, उसके बाद इधर दूध भी रखी हूँ लोटा में देख सकते हैं। तो पहले धान का लावा फोड़ेंगे, उसके बाद दियरी बनाएंगे, उसमें पूजा वूजा करेंगे, जैसे यहाँ पूजा होता है मैं वैसे पूजा करती हूँ। देखिए हमारा मुर्गी भी चल के, देखिए बारिश होने लगा तो डर से भाग रही है, दोनों आ गई है बाहर से घर में। तो दोस्तों हम पूजा वूजा करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, लिख रही हूँ अभी, और यहाँ पर माटी भी रखी हूँ। चलिए पहले बाल यहाँ हाथ धो लेती हूँ, उसके बाद बाल लेगा तो मिट्टी के देरी बनाऊँगी।
में दियरी बना लेते हैं, जिससे हम लोग यहाँ पूजा होता है दियरी में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हम जो धान था उसको भूज चुकी हूँ लावा, और इसको मैं ऐसे बीन बीन के रख लेती हूँ धान का ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं भर के रख दी हूँ। चलिए दूध ला है पूरा घर में छीन देते हैं। दोस्तों पूजा पाठ हमारे घर में हो चुका है, अभी बहुत तेज़ से बारिश हो रहा है, अभी तेज़ नहीं है धीरे ही धीरे ही है, क्योंकि विजय के पापा सुबह ही गए थे 8 बजे, अभी नहीं हो जा रहा है 10 बज रहा है, अभी तक नहीं आया गैस भरवा के। आ बच्चे तो चिवड़ा चीनी खा चुके हैं, हम लोग नहीं खाए थे क्योंकि कल भूखी थी, तो सोचे जब बना के गर्म गर्म खाऊँगी, तो अभी नहीं आए हैं, तो देखिए कब तक आते हैं, टाइम हो रहा है 10 बज गया है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हम लोग, और इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखें हम लोग, हम फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में।